दोस्तों, विच फूड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है पनीर बटर मसाला, जो कि बनने में बहुत ही आसानी से बनता है और ये खाने में बहुत ही रिच होता है, पनीर बटर मसाला। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमने पनीर को काट लिया है अपने शेप के हिसाब से। आप चाहे चौकोर काट लीजिए, ट्रायंगल काट लीजिए, स्क्वायर काट लीजिए, चाहे जैसे काट लीजिए। तो अब इस पनीर को हम बॉयल करेंगे। ये पनीर बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है, कश्मीरी टमाटर पनीर बहुत ही लाजवाब बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें पनीर को हम हल्दी के साथ बॉयल करेंगे, जिससे पनीर हमारा काफ़ी जूसी रहेगा, वो टाइट नहीं होगा। तो पानी गर्म हो जाए, इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है। अब इसके बॉयल होने का हम इंतज़ार करेंगे। ये हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पनीर को डाल देंगे सारे। अब इसको उबाल आने तक हम इसको छोड़ देंगे। हमारा पनीर अच्छे से बॉयल हो रहा है, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक प्याज लिया है, 7-8 लहसुन की कलियां हैं, थोड़ा सा अदरक है, एक बड़े आकार का हमने टमाटर लिया है। अगर आपका छोटा टमाटर हो तो आप 2 ले लीजिए। अभी इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए, हमने रफली इसको चॉप कर लिया है। अब आइए हम पैन चढ़ाते हैं। पैन हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और इसको गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें एक साबुत लाल मिर्च, 1 चुटकी जीरा इसमें डाल देंगे, 4 से 5 इसमें काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची को हम खोल के डाल देंगे, 2-3 लौंग और 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा इसमें जावित्री डाल देंगे, थोड़ा सा दालचीनी, इसमें हम 5 किशमिश डाल देंगे और 5 काजू, और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है। हमें ध्यान रखना है कि ये मसाले हमारे जले ना, आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, बस इसे रोस्ट करना है ऐसे। अब इसमें चॉप किया हुआ आधा आइटम हमें डाल देना है। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही ढक के धीमी आंच पे हम पकाएंगे। देखिए, ये हमारा अच्छे से पक रहा है, बहुत ज़्यादा इसको हमें भूनना नहीं है, बस 5 मिनट। अब ये हमारा हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको शिफ्ट करेंगे हम मिक्सर के जार में और इसको फाइन पेस्ट हम तैयार करेंगे। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे। पैन को हमने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और इसमें हम वही अपना कुकिंग ऑयल डाल देंगे, क्योंकि अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो तेल को हम गर्म होने देते हैं। पनीर को आप चाहें तो डीप फ्राई करिए या फिर सैलो फ्राई करिए या फिर रोस्ट कर दीजिए। तो मैं अभी सैलो फ्राई करूँगा इसको। तेल हमारा गर्म हो चुका है। पनीर को एक एक करके हम शिफ्ट कर देंगे पैन में। ये हमने इसको टर्न कर दिया है, देखिए बहुत ही अच्छा कलर। और दूसरी तरफ से हमें ऐसे ही सेकना है। सारे पनीर को हमने निकाल लिया है प्लेट में। ये हमारा
तेल जो बचा है अब इसमें हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। इसमें हमने बटर डाला है, इसको मेल्ट होने देंगे। इसमें जो हमने मसाले को पीसा था उसको डाल देंगे। देखिए लग रहा है ना, बहुत अच्छा, बहुत ही यम्मी, ये बनता ही ऐसा है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। ये एक चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, ये एक चम्मच गरम मसाला, नमक इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। इसको अच्छे से हम पकाएंगे, भुनेंगे एक बार और। तो हमने अभी मसाले जो डाले हैं उसको थोड़ा सा हमें भूनना है। इसको लगभग हम 5 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भूनते हुए, ये कलर हमारा आ गया है। ये हमने एक चम्मच घर का ताज़ा मलाई इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो अमूल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। घर की ताज़ा मलाई हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हम भुनेंगे 2-3 मिनट तक। इसमें हम एक चम्मच ये कश्मीरी, सॉरी ये जो है हमने, मैं कहना भूल गया, कसूरी मेथी एक चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से भुनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा शहद डालेंगे, आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर। हमने इसमें शहद डाला है थोड़ा सा हल्का मिठास के लिए। अब हम इसमें पनीर के पीसेस को डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हमने 1/2 कप गर्म पानी इसमें डाल दिया है। अब इसको जो है पानी के साथ हम इसको पका लेंगे। अच्छी तरह से हमारा पनीर भी थोड़ा सा पक जाएगा, मसाले भी थोड़ा पक जाएंगे, क्योंकि वो जो हम मसाले को भून रहे थे तो वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गया था। थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल के इसको 5 मिनट तक स्लो आंच पे इसको भून लेंगे। ये हमने एक चम्मच बटर और डाल दिया है, क्योंकि पनीर बटर मसाला की रेसिपी है और बटर ज़्यादा न पड़े तो उसका मज़ा नहीं आता है। तो बटर जो है पूरा हमने भरपूर इसमें डाला है। ये हमारा पनीर बटर मसाला बन के पूरी तरह से तैयार है। आप भी फ्रेंड्स इसको बनाइए, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे आके कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।